हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे प्रेशर इन फ्लूइड। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे प्रेशर इन फ्लूइड। ठीक है डियर फ्रेंड्स, हम आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर और लेक्चर नंबर टू, हमने आपको बताया था कि इसमें जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड टेम्परेचर और प्रेशर के साथ चेंज होती है। ठीक है, और कैसे चेंज होती है इसके लिए हमने आपको डेरिवेशंस भी करके एक्सप्लेनेशन किया था। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि फ्लूइड में प्रेशर कैसे किसी बॉडी पर एक्सर्ट होता है। ठीक है, या कह सकते हैं कि वाई फ्लूइड किसी बॉडी पर, या आप इसको किसी कंटेनर में फिल कर रहे हो तो उनके वॉल्स पर कैसे फोर्सेस लगते हैं। ठीक है, या फोर्सेस की वैल्यू क्या एवरी पॉइंट पर सेम होती है या डिफरेंट होती है, ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस हियर। ठीक है, जैसा कि जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको बता रखा है कि जो फ्लूइड के एग्जाम्पल्स होते हैं वो आपके लिक्विड होते हैं, ये आपका हो गया गैस। ठीक है, इसमें वेपर भी आपका फ्लूइड में कह सकते हो कि वेपर को भी फ्लूइड में इंक्लूड किया जा सकता है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे कि अगर हम सपोज कर लें कि ये हमारे पास कोई कंटेनर है। ठीक है, इसमें आपका ये लिक्विड फिल किया गया है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हमेशा कोलिजन करते रहते हैं। ठीक है, एक मॉलिक्यूल्स अपने सराउंडिंग के अदर मॉलिक्यूल्स से हमेशा कोलिजन करता रहता है। ठीक है, ड्यू टू दिस कोलिजन, अगर यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम कोई इमेजिनरी सरफेस सपोज कर लें, जैसे मान लो ये आपका कोई कंटेनर है, इसमें ये लिक्विड फिल किया हुआ है। ठीक है, और इसमें हमने एक कोई ये इमेजिनरी सरफेस सपोज कर लिया है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स, ये इमेजिनरी सरफेस हमने लिक्विड में जो सपोज किया है, या डियर फ्रेंड्स वर्चुअली है, यहाँ पर ध्यान देंगे, इसको हम इमेजिन कर रहे हैं कि लिक्विड में, यहाँ इस कंटेनर में लिक्विड फिल किया हुआ है, और इसमें हम एक कुछ इस टाइप से एक सरफेस, यहाँ पर डियर फ्रेंड्स एक सरफेस इधर भी है और एक सरफेस इधर भी है। ठीक है, दोनों साइड हम कह सकते हैं। तो ये सरफेस अगर हम सपोज कर लें, तो इस सरफेस पर बाय लिक्विड इस डायरेक्शन में, या कह सकते हैं कि परपेंडिकुलरली एक फोर्स लगेगा। ठीक है, दिस साइड से दिस डायरेक्शन में इस सरफेस पर, इस इमेजिनरी सरफेस पर बाई सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये जो सरफेस है जिसको आप इमेजिनरी सरफेस बोल रहे हो, इस इमेजिनरी सरफेस पर लिक्विड के सरफेसेस के कारण, यहाँ पर जब ये सरफेस सपोज करोगे लिक्विड एवरी प्लेसेस पर है, तो लिक्विड के जो सरफेसेस होंगे वो डियर स्टूडेंट्स इस पर परपेंडिकुलरली फोर्स एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, इधर से दिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और इधर से भी बाई सरफेस ऑफ लिक्विड, क्योंकि इधर इधर भी आपका लिक्विड फिल रहेगा, और बाई सरफेस ऑफ लिक्विड इस पर परपेंडिकुलरली फोर्स लगेगा। डियर स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, ठीक है, इस सरफेस पर परपेंडिकुलरली फोर्स लगता है। ठीक है, ये फोर्स डियर स्टूडेंट्स, इस सरफेस के, जो सरफेस आप इमेजिन कर रहे हो, इस सरफेस पर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर बाय सरफेस ऑफ लिक्विड फोर्स लगता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर यहां पर हम सपोज कर लें कि ये वो सरफेस है, ये वो सरफेस है इमेजिनरी सरफेस, तो डियर स्टूडेंट्स, इस पर एक फोर्स इधर से लगेगा
और एक फोर्स इधर से लगी है, ठीक है। यहां पर डियर स्टूडेंट्स ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन तो हमने शो कर रखा है, इक्वल और अपोजिट है, और जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वह भी सेम होता है, ठीक है। तभी ये डियर स्टूडेंट्स ये फोर्स जो है इक्वल एंड अपोजिट होता है, डायरेक्शन में अपोजिट होता है और मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है। इसीलिए ये सरफेस जो है, या कह सकते हो कि यहाँ पर जो लिक्विड रहा होगा वह स्टेबल है। ये डियर स्टूडेंट्स हम रेस्ट की केस में बता रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिक्विड ये रेस्ट में रखा हुआ है, ठीक है, हम यहाँ पर रेस्ट की बात कर रहे हैं। इसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से ये कॉन्सेप्ट को माइंड करेंगे। ये हम लिक्विड को रेस्ट की केस में सपोज किए हुई है, ठीक है। लिक्विड आपका स्टेबल है, रेस्ट की कंडीशन में है, तब यहाँ पर हमने एक इमेजिनरी सरफेस सपोज कर लिया है। तो इस इमेजिनरी सरफेस पर डियर स्टूडेंट्स बाई सरफेस ऑफ लिक्विड परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा इन दिस डायरेक्शन और इधर से इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, और इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वह सेम होगा, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स ये फोर्स जो है इसके परपेंडिकुलर सरफेस के एवरी पॉइंट पर लगता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स फोर्स ये जो परपेंडिकुलर फोर्स बाय सरफेस ऑफ लिक्विड इस पर एक्सर्ट हो रहा है, ये फोर्स पर यूनिट एरिया यहां पर प्रेशर की वैल्यू देता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स इस पर जो फोर्स पर यूनिट एरिया लगेगा, अगर इसका हम कोई स्मॉल एलिमेंट ले लें, ध्यान दीजिएगा, अगर इसका हम कोई यहां पर एक इस पॉइंट पर एक स्मॉल एलिमेंट ले लें, इसका एरिया अगर हम डी ए सपोज कर लें, तो इस पर इस पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू होगी डियर स्टूडेंट्स इस पर जो बाई सरफेस ऑफ लिक्विड परपेंडिकुलरली जो फोर्स लगेगा वह हम यहां पर सपोज कर लेते हैं डी एफ परपेंडिकुलर अपॉन डी ए, ठीक है, ये फोर्स लगेगा जिसको हम डी पी सपोज कर ले रहे हैं यहां पर, स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेशर, ठीक है, डी पी सपोज कर ले रहे हैं। ऐसे ही डियर स्टूडेंट्स अगर इसका एरिया हम ए सपोज कर लें, तो यहां पर इस पूरे लेयर पर जो प्रेशर लगेगा ड्यू टू दिस परपेंडिकुलर फोर्स वह क्या होगा, P इज इक्वल टू एफ परपेंडिकुलर अपॉन ए, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो डियर स्टूडेंट्स ये हो गया आपका प्रेशर इन फ्लूइड, ठीक है, जो परपेंडिकुलर फोर्स लगता है या परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया आपका क्या कहा जाता है, प्रेशर, ठीक है। जिस पॉइंट पर आपको प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, उस पॉइंट पर आप परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया की वैल्यू कैलकुलेट कर लो तो आपको प्रेशर की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स प्रेशर के यूनिट, ठीक है, तो इसका एसआई यूनिट जो होता है, इसका जो एसआई यूनिट होता है वह डियर स्टूडेंट्स होता है पास्कल, ठीक है, इसको हम पास्कल बोलते हैं या पी ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स अगर इसका हम एमकेएस यूनिट लिखना चाहें, तो यहां से इसको हम कह सकते हैं फोर्स का यूनिट हो जाएगा न्यूटन, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स वन पास्कल इज इक्वल टू होता है वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर एक इसका दूसरा भी यूनिट होता है, एक दूसरा यूनिट इसका डियर स्टूडेंट्स मेट्रोलॉजी में यूज किया जाता है, मेट्रोलॉजी में
जिसको हम बोलते हैं बार, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बार। वन बार इज इक्वल टू होता है, वन बार इज इक्वल टू होता है 10^5 पास्कल, ठीक है, वन बार इज इक्वल टू होता है 10^5 पास्कल, ठीक है, और वन पास्कल इज इक्वल टू होता है 1 न्यूटन/मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई प्रेशर की यूनिट की, ठीक है। अब यहां पर आइए हम आपको बताते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, स्पेस में, यहां पर जो फ्री स्पेस होता है अर्थ में या अर्थ के सरफेस पर कह सकते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स, बाई होल एटमॉस्फेयर इस पर, या कह सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज दैट प्रेशर व्हिच इज एक्सर्टेड बाई अर्थ एटमॉस्फेयर एट एवरी पॉइंट इन फ्री स्पेस, या कह सकते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। जैसे डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ये हमारे पास मार्कर है, इस पर भी प्रेशर लगा हुआ है, ठीक है, इस पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा हुआ है, ठीक है, बाय अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है। यहां पर जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, इन सभी ऑब्जेक्ट्स पर, टेबल है आपका, चेयर है आपका, ठीक है, इन एग्जांपल्स जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इन पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा लगा रहता है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अर्थ एटमॉस्फेयर एट एवरी ऑब्जेक्ट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अर्थ के एटमॉस्फेयर के कारण जो किसी ऑब्जेक्ट पर, या कह सकते हैं एवरी ऑब्जेक्ट पर जो प्रेशर एक्सर्ट होता है, उसको हम बोलते हैं स्पेस में, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डिफिनेशन डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ एटमॉस्फेयर is known as atmospheric pressure, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल, ये आपका होता है 1 atmospheric pressure इज इक्वल टू होता है डियर स्टूडेंट्स 1.013 × 10^5 पास्कल, ठीक है, ये होता है 1 atmospheric pressure की वैल्यू, ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट में डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल, या कह सकते हैं कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट या डिफिनीशन आपका एक होता है गेज प्रेशर,
गेज प्रेशर, ठीक है। गेज प्रेशर होता है डियर फ्रेंड्स इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो मैक्सिमम प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर एक्सेस ऑफ, इसको दूसरे वर्ड में ऐसे बोलते हैं कि एक्सेस ऑफ प्रेशर फ्रॉम एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज गेज प्रेशर, ठीक है। इसको हम ऐसे बोलते हैं एक्सेस ऑफ प्रेशर बाय या फ्रॉम एक्सेस ऑफ प्रेशर फ्रॉम एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज गेज प्रेशर इज नोन एज गेज प्रेशर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स गेज प्रेशर की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी हो तो जैसा कि हम जानते हैं कि टोटल प्रेशर को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। एब्सोल्यूट प्रेशर को या टोटल प्रेशर को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स गेज प्रेशर की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो गेज प्रेशर इज इक्वल टू आपका फार्मूला हो जाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स गेज प्रेशर की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया आपका गेज प्रेशर और गेज प्रेशर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, ठीक है। अब नेक्स्ट में डियर स्टूडेंट्स गेज प्रेशर के बाद यहां पर हम देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहां पर डियर स्टूडेंट्स प्रेशर जो होता है ये आपका इनफ्लुएंट स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है, ठीक है। प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स यहां पर तो प्रेशर का फार्मूला अभी अभी हमने आपको बताया था फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन यहां पर हम प्रेशर को स्केलर क्यों बोल रहे हैं और फोर्स तो आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर फोर्स या कह सकते हो कि प्रेशर इन फ्लूइड एट एवरी पॉइंट किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट अगर आप चूज कर लो कोई भी, तो डियर स्टूडेंट्स इस किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पर जो प्रेशर की वैल्यू होती है वह सेम होती है और इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। यहां पर इसका जो प्रेशर होता है इसका अपना खुद का कोई डायरेक्शन इसलिए नहीं होता है क्योंकि अगर डियर स्टूडेंट्स इसमें आप कोई ऑब्जेक्ट इमर्स करोगे तो उस ऑब्जेक्ट के सरफेस पर बाय सरफेस ऑफ लिक्विड या कह सकते हो कि बाय सरफेस ऑफ फ्लूइड उस पर परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, ठीक है।
इस बॉडी के या जो भी शेप का, किसी भी शेप की कोई बॉडी अगर आप लिक्विड में इमर्स कर रहे हो, तो उसके सरफेस पर बाई सरफेस ऑफ लिक्विड परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, और उस फोर्स का डायरेक्शन जो होता है वो, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमेशा ये इस बॉडी के सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। आप इस बॉडी को चाहे जिस डायरेक्शन में ओरिएंटेड करोगे, ठीक है, मान लो आपने बॉडी को जो आपने इमर्स किया था आपने दिस साइड में कर दिया, तो इस पर जो फोर्स लगेगा बाई सरफेस ऑफ लिक्विड उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इन दिस केस इस पर जो फोर्स लग रहा था वह इस डायरेक्शन में लग रहा था, इन दिस केस जो फोर्स लगेगा बाई सरफेस ऑफ लिक्विड वह इन दिस डायरेक्शन लगेगा। ठीक है तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो फोर्स है ये हमेशा अपना डायरेक्शन वो किसी ऑब्जेक्ट को जो कि आप इमर्स कर रहे हो उसके परपेंडिकुलर हमेशा रहेगा। ये जो फोर्स होता है परपेंडिकुलर फोर्स, यहाँ पर ये फोर्स वाई सरफेस ऑफ लिक्विड जो इस पर एक्सर्ट किया जाता है वह डियर स्टूडेंट्स हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। यहाँ पर इस बॉडी का या ये जो सरफेस है, इस बॉडी का जो सरफेस है वो चाहे जिस डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो, ठीक है, यहाँ पर ये मैटर नहीं है कि उसका सरफेस किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड होता है। ठीक है तो इसलिए यहाँ पर प्रेशर का अपना कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है और यहाँ पर अगर हम रियलाइज करना चाहें दूसरे वर्ड से, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो प्रेशर की वैल्यू होती है वह एवरी डायरेक्शन में सेम होती है, और ये इनका मैग्नीट्यूड भी एवरी डायरेक्शन में सेम होता है। तो डियर स्टूडेंट्स जितना ये इधर है उतना ये इधर है, जितना इसका मैग्नीट्यूड इधर है उतना ही इसका मैग्नीट्यूड इधर है, ये सारे के सारे जो डायरेक्शंस हैं या जो वैल्यू है इनकी ये एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हैं, इसलिए एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, इसलिए भी हम इनका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं बोलते। ठीक है तो प्रेशर का, प्रेशर इन लिक्विड या इन फ्लूइड कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। ठीक है तो डियर स्टूडेंट्स इसको आप स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं हमेशा। ठीक है तो ये हो गया आपका प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है अब यहां पर डियर स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं वेरिएशन इन प्रेशर की। वेरिएशन इन प्रेशर की यहाँ पर एग्जाम्पल में हम सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास कोई कंटेनर है, इसमें फ्लूइड सॉरी डियर स्टूडेंट, यहां पर हम सपोज कर लेते हैं ये हमारा फ्लूइड इसमें फिल किया हुआ है या लिक्विड, इसमें ये हम कोई फ्लूइड एलिमेंट सपोज कर लेते हैं। ठीक है इसके जो चारों साइड हैं चारों साइड का एरिया हम सेम सपोज कर लेते हैं। ठीक है तो इसका एरिया चारों साइड का सेम हो गया, और इसकी जो हाइट है इसकी हाइट हम सपोज कर लेते हैं डी वाई। ठीक है इसकी हाइट हम डी वाई सपोज कर लेते हैं। यहां पर हम एक रेफरेंस लेवल ले लेते हैं इसके बॉटम को, यहां से इसका जो हाइट है इसके बॉटम का इसको हम डियर स्टूडेंट्स सपोज कर लेते हैं y। ठीक है तो इसका जो है
इसका टॉप लेवल का, इसके टॉप लेवल का यहां से जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये y है, ये dy है, तो ये हो जाएगा आपका y प्लस dy, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पर हम बात करें अगर इसके वेट की, ये जो फ्लूइड एलिमेंट सपोज किए हो, इसका अगर हम वेट की बात करें तो इसका वेट टुवर्ड्स टू डाउनवर्ड mg होगा। तो यहां पर लिखेंगे वेट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट mg, ठीक है। m की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स यहां पर होता है रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय g, ठीक है। डेंसिटी यहां पर हम रो सपोज कर ले रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम इसका हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाय विड्थ, सॉरी इसकी हाइट जो है dy है, तो a dy मल्टीप्लाई बाय g हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका वेट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट। यहां पर डियर स्टूडेंट्स हम फ्लूइड एलिमेंट को अगर सेपरेटली ड्रा करते हैं तो इसका जो वेट होगा, ठीक है, इसका जो डायरेक्शन होगा डियर स्टूडेंट्स, इसके हम वेट की डायरेक्शन को कुछ यहां पर शो कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा इसका w, ठीक है। अब इसके लोअर, इसका बॉटम लेवल जो है, इस फ्लूइड एलिमेंट का ये जो बॉटम लेवल है, इस पर प्रेशर डियर स्टूडेंट्स कितना लगेगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहां पर प्रेशर ऑन बॉटम ऑफ फ्लूइड एलिमेंट ये आपका कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू F अपॉन, ये होता है प्रेशर, तो F अपॉन A हो गया, ठीक है। तो यहां पर F इज इक्वल टू आपका हो गया P A, ठीक है, P A फोर्स। अगर हम बात करें इसके टॉप लेवल पर, ठीक है, ये तो टॉप लेवल डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम dy डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं या कवर कर रहे हैं, तो इसका जो प्रेशर होगा वो चेंज हो जाएगा। तो इसका डियर स्टूडेंट्स अगर हम प्रेशर की बात करें, प्रेशर ऑन टॉप ऑफ फ्लूइड एलिमेंट, तो इसका प्रेशर इस पर डियर फ्रेंड्स आपका फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स बाय सरफेस ऑफ लिक्विड इन दिस डायरेक्शन इस पर लगेगा। यहां पर डियर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, इसके लोअर पर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा, ठीक है, और जो अपर सरफेस पर फोर्स लगेगा इसका डायरेक्शन ये होगा, ठीक है, बाय सरफेस ऑफ लिक्विड परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा। तो यहां पर हम अगर प्रेशर की बात कर रहे हैं तो प्रेशर आपका टॉप, इस टॉप लेवल पर, ठीक है, इस पर आपका हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स यहां पर डियर स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्रेशर आपका हो गया P प्लस dP, यहां ध्यान दीजिए ये आपका dy हाइट चेंज हो रहा है, ठीक है, मतलब इसके लोअर से टॉप के बिटवीन dy का डिफरेंस लिए, ठीक है, तो इसलिए इसके प्रेशर में dP का हम डिफरेंस सपोज कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा P प्लस dP इज इक्वल टू F अपॉन A, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया।
तो यहां से F इज इक्वल टू आपका हो जाएगा F टॉप के लिए P प्लस dP इंटू ए, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स यहां पर इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम बना है यहां से देखें तो F टॉप का जो डायरेक्शन है वो दिस और F बॉटम का जो डायरेक्शन है वह दिस है और इसका W यहां पर डाउनवर्ड नीचे की ओर वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसका डियर स्टूडेंट्स समेशन ऑफ एफ वाई जो होगा सम ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई, समेशन ऑफ एफ वाई आपका जीरो हो जाएगा इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो यहां पर डब्ल्यू फोर्स जो लग रहा है डाउनवर्ड, इसकी वैल्यू डियर स्टूडेंट्स यहां पर हम इरेज कर दिए हैं। डब्ल्यू की वैल्यू क्या थी, एम W इक्वल टू mg होता है, तो m इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो m इज इक्वल टू यहां पर रो रहा होगा, वॉल्यूम रहा होगा, ठीक है, और g रहा होगा, ठीक है। तो v की वैल्यू यहां पर आपका रहा होगा a इंटू डी वाई, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले हम देखेंगे W का जो डायरेक्शन है या एलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस अगर हम ले रहे हैं, एलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो डियर स्टूडेंट्स इसका डायरेक्शन पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है तो इसकी वैल्यू प्लस हो जाएगी। तो एफ बॉटम आपका यहां पर कैलकुलेट कर चुके हो, ये है एफ बॉटम, इसकी वैल्यू पी ए हो गई, ठीक है। तो यहां से ये आपका हो जाएगा पी ए माइनस, इन दोनों का डायरेक्शन इसके अपोजिट है तो ब्रेकेट लगाएंगे तो ब्रेकेट को रिमूव कर दे रहे हैं तो आपको वैल्यू मिल जाएगी पी प्लस डी पी इंटू ए माइनस, ये हो गया आपका पी प्लस डी पी इंटू ए, एफ टॉप का हो गया, ठीक है, और W ये है आपका, तो ये हो जाएगा माइनस रो ए डी वाई जी, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स यहां से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो देखते हैं इसकी वैल्यू हमको क्या मिलती है, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू हो गया जीरो, तो पी ए माइनस डी पी ए माइनस रो ए डी वाई जी इज इक्वल टू जीरो, ये आपका कैंसिल हो गया और हम दिस टर्म को दिस साइड, अगर इसको दिस साइड कर देते हैं या इसको दिस साइड ही रहने देते हैं, इसको हम दिस साइड कर देते हैं, माइनस डी पी ए इज इक्वल टू रो ए डी वाई जी। तो यहां से आपको माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस दिस साइड हो जाएगा डी पी अपॉन डी वाई, dp upon dy is equal to a से a आपका कैंसिल हो जाएगा माइनस रो g, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर यहां से देख सकते हैं कि आपका y बढ़ेगा तो p घटेगा, ठीक है, दैट मींस दैट इज प्रेशर डिक्रीजेस with increasing y, ठीक है। यहां पर डियर स्टूडेंट्स y के साथ y आपका बढ़ेगा तो dp घटेगा, ठीक है, मतलब इसको आप जैसे जैसे ऊपर अगर शिफ्ट करोगे तो प्रेशर की वैल्यू घटती जाएगी, ठीक है, और y कम करोगे तो प्रेशर आपका बढ़ेगा, y कम का मतलब डेप्थ इसकी बढ़ाते जाओगे तो y कम होता जाएगा और प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। अगर डियर स्टूडेंट्स यहां पर हम बात कर लें कि किसी पॉइंट पर, अगर इस पॉइंट पर हम प्रेशर P1 सपोज कर लें
या इस पॉइंट पर पी टू सपोज कर लें और इस पॉइंट पर पी वन सपोज कर लें, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहां से डी पी इज इक्वल टू माइनस रो जी डी वाई, प्रेशर की वैल्यू आपका पी वन टू पी टू हो जाएगा, ठीक है। और यहां से डी पी हो जाएगा और इज इक्वल टू आपका माइनस रो जी डी वाई। तो डियर स्टूडेंट्स इस पर अगर आप इसकी वैल्यू P2 पर Y1 सपोज कर लो और P1 पर इसकी वैल्यू Y2 सपोज कर लो, तो यहां से आइए देखते हैं हमको दूसरा रिजल्ट मिल जाएगा। यहां से अगर हम सपोज कर लें ये हमारे पास कंटेनर है, ये इसमें लिक्विड फिल है, यहां पर हम एक पॉइंट P1 ले लेते हैं और यहां पर हम कोई दूसरा पॉइंट P2 ले लेते हैं, ठीक है। इसका डियर फ्रेंड्स वैल्यू अगर हम y1 सपोज कर लें और इसका वैल्यू यहां से y2 सपोज कर लें, ठीक है। तो यहां से हमको इसकी लिमिट कितनी मिल जाएगी, y1 टू y2, ठीक है। और प्रेशर यहां पर p2 टू p1 हो जाएगा, p2 टू p1, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स यहां से p1 माइनस P2 is equal to minus rho G Y2 minus Y1, ठीक है। तो ये होता है आपका change in